हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है। मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाया है, तो शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा है। तो आज मैं वो बताने वाला हूँ, जैसे कि शोल्डर गिरने का एक, जैसे कि 99.9% जिसके ऊपर डिपेंड होता है वो आप लोगों को, वो कॉन्सेप्ट अगर पता ना हो तो देखिए, शोल्डर गिरने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, बहुत कुछ, मगर जो 99.9% जो होता है वो इसकी वजह से होता है। मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ। और उससे पहले मैं बता दूँ, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर फ्री में ऑनलाइन में फैशन डिजाइनिंग कोर्स, साथ में टेक्सटाइल, ये सब आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर विजिट कीजिए, देखिए उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसका, जैसे क्यों होता है वो 99, मैंने एक पॉइंट में बता रहा हूँ। अगर किसी का ड्रेस में ऐसा हो तो आप इसे इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लीजिए, उसके बाद नीचे कॉमेंट्स करके बताइए ये तरीका कैसा लगे आप लोगों को। तो फ्रेंड, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो सबसे जो अहम बात है जो शोल्डर गिरने का, देखिए शोल्डर मैंने आप लोगों को बोला था, जो शोल्डर जैसे कि हाफ अप शोल्डर किसी भी ड्रेस में करें, अगर बैक डेप्थ हो, हाई नेक में ज़्यादा दिक्कत किसी को नहीं आता है, तो उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। मैंने बता रहा हूँ फ्रेंड डीप नेक के बारे में, ठीक है। हाफ अप शोल्डर माइनस टू प्लस हाफ इंच, हाफ अप शोल्डर माइनस डायरेक्टली टू, ये सब पैटर्न में कट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। मगर आपका ये कभी कभी हो जाता है क्या, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, देखिए उसमें कोई मायने नहीं रहा। आप लोग देखेंगे जो 40 साइज है वो लोग भी शोल्डर 5 में कट रहे हैं, और जो 32 साइज है वो लोग भी शोल्डर 5 में कट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है शोल्डर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप लोग जब फिटिंग का क्लास हमारे इधर से करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा फ्रेंड, जो शोल्डर का इतना फॉर्मूला जस्ट एक गाइड है, जो नए स्टूडेंट उन लोगों को सिखाने के लिए एक रूट दिया जाता है, तो वो एक रास्ता आप लोग बता सकते हैं। जैसे कि धीरे धीरे वो चलना सीख जाएंगे, उसके बाद खुद ही इसका सारे कुछ जानकारी उन लोगों को पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही सीक्रेट है, बहुत लोग नहीं बताते इसके बारे में, तो मैं तो डिटेलिंग बता रहा हूँ। और देखिए साथ ही साथ शोल्डर कुछ भी हो, मानिए जैसे कि इधर इधर से गिर रहा है, तो आप एक बात आप ठीक करके चेक करिए, मानिए पीछे कितना दूरी तक है, मानिए आपका डेप्थ इतना दूर है, तो आप एक बार घुमा के वो मेजरमेंट, आप एक अगर स्क्वायर हो, अगर भी शेप वाला हो, कुछ भी हो, जैसे कि आप इसी तरह ही करें, जैसे वो शेप है उसी तरह ही घुमा घुमा के मेजरमेंट ले, और इसके बाद ऊपर से लेकर ऐसे करके फ्रंट तक दे दे। तो इसमें क्या होगा, और इसमें बहुत लोग इसे यूज ही नहीं करना जानते, मैंने एक वीडियो में बताया। तो क्या होता है, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपने जो मेजरमेंट ली वो पैटर्न में जब आप लोग शॉटिंग करेंगे ना, तो उस वक्त भी वो मेजरमेंट आना चाहिए आफ्टर स्टिचिंग। इसके मतलब है, मानी इस जगह में मैंने पीछे और फ्रंट में घुमा के 18 इंच किया है, तो आप लोग जैसे चेक करेंगे पैटर्न में, तो चेक करने के लिए फ्रंट का सीम्स, गलत जिस जगह में पट्टी वगैरह लगाएंगे वो जगह का सीम्स, फ्रंट का सीम्स, और बैक किसी जगह में आपने पट्टी वगैरह लगा दी, बैक ओपन की, तो कुछ भी की, तो वो सीम्स छोड़ के नीट 18 इंच आ रहा है कि नहीं वो देखना। अगर आपने ये कर दी फ्रेंड, तो इसके मतलब है इस जगह का 100% पक्का है नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये छोटा मोटा चीज़ जो है आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा, एक बार इसे इम्प्लीमेंट करके आप देख लीजिए, उसके बाद ही नीचे कमेंट्स कीजिए, उसके बाद ही अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। इतना कॉन्फिडेंट के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये शोल्डर गिरने का एक पॉइंट में बता रहा हूँ, नहीं जैसे कि 99.9% फ्रेंड इस प्रॉब्लम के ऊपर होता है। उसके अलावा भी अपने आर्महोल ठीक तरीके से नहीं कट की, शोल्डर बड़ा ले लिए, बहुत सारा रीज़न होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।